मिट्टी जलाकर सो जाने से कई परिवार मौत की नींद में सो जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार लोगों को बंद कमरों में अंगीठी, हीटर आदि जलाकर ना सोने के लिए लोगों से अपील करता है। ऐसे में चिकित्सक भी लगातार लोगों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही इस सर्द मौसम में देखने को मिलती है। इससे बचाव को लेकर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि बंद कमरों में कभी भी अंगीठी या हीटर जलाकर ना छोड़ें। इससे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और दम घुटने से मौत हो सकती है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, जैसे ही ठंडक शुरू होता है वैसे ही चिकित्सक लोग गाइडलाइन जारी कर देते हैं कि ठंड से बचने के लिए कमरे को बंद करके अंगीठी या कोयला नहीं जलाना चाहिए। उससे होता क्या है कि जब हम कमरा बंद कर देते हैं तो ऑक्सीजन बाहर की कमरे में नहीं आ पाती है, अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है वो जल जाती है। और अगर आपने कोयले की अंगीठी जलाई है तो ये सोने में सुहागे का काम करता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। दूसरा, जो कोयले से धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, वह जो है शरीर में जो हमारे ऑक्सीजन वाहक कण होते हैं हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं, उनकी ऑक्सीजन ढोने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर दोहरी मार पड़ती है और प्रायः आप इस तरह से खबरें सुनते हैं कि कमरे जला करके पूरा परिवार अंगीठी कमरा बंद करके अंगीठी जला करके सोया था और सुबह कोई सो करके नहीं उठा। इसलिए मेरी सबको हिदायत यही है कि कमरे में जब भी सोएं तो पहली बात तमूमन अंगीठी या कोयले की कोई चीज़ जला के नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन प्रत्येक दशा में होना चाहिए। इवन हीटर को भी 24 घंटे जला करके नहीं सोना चाहिए। हीटर को भी अगर जलाते हैं तो उससे नमी और ऑक्सीजन दोनों ख़त्म हो जाती है, तमाम तरह की स्किन की बीमारियां होती हैं। इसलिए अगर हीटर को जलाते हैं या तो ऑयल बेस्ड जो हीटर्स होते हैं उनका प्रयोग कीजिए, और या अगर आप जो है कॉयल के या फ्लेम के करते हैं तो उनके सामने परात में पानी रख दीजिए, उसको रखिए जिससे कमरे की ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और क्रॉस वेंटिलेशन प्रत्येक दशा में कमरे में मेंटेन।